नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। आइए आज हम सभी सहजन खाने के फायदे और इसके गुणों के बारे में जानते हैं। भारत देश में एक से बढ़कर एक सेहत का खजाना मौजूद है, चाहे फलों के रूप में हो या वो सब्जी के रूप में हो, चाहे आयुर्वेदिक औषधियों के रूप में। आज हम ऐसे ही सब्जी पेड़ के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके लाभ अनगिनत हैं। दोस्तों, दुनिया का सबसे ताकतवर पोषण पूरक आहार है सहजन, यानी कि मुनगा। 300 से अधिक रोगों में बहुत फायदेमंद इसकी जड़ से लेकर फूल, पत्ती, फली, तना, गोंद, हर चीज़ उपयोगी होती है। आयुर्वेद में सहजन से 300 रोगों का उपचार संभव है ऐसा बताया गया है। सहजन के पौष्टिक गुणों की तुलना इसमें विटामिन सी संतरे से 7 गुना ज़्यादा होता है, विटामिन ए गाजर से 4 गुना ज़्यादा होता है, कैल्शियम दूध से 4 गुना ज़्यादा होता है, पोटेशियम केले से 3 गुना अच्छा होता है, प्रोटीन दही की तुलना में 3 गुना ज़्यादा पाई जाती है। स्वास्थ्य के हिसाब से इसकी फली, हरी और सूखी पत्तियों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन ए, सी और बी कॉम्प्लेक्स प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इनका सेवन करके कई बीमारियों को बढ़ने से रोका जा सकता है। हिंदी में इसे सहजना, सूजना, सेंजन और मुनगा नाम से भी जाना जाता है। जो लोग इसके बारे में जानते हैं वे इसका सेवन ज़रूर करते हैं। सहजन में दूध की तुलना में 4 गुना ज़्यादा कैल्शियम और दुगना प्रोटीन पाया जाता है। यह है सहजन के औषधीय गुण। सहजन का फूल, सहजन के औषधीय गुण, सहजन का फूल पेट और कफ रोगों में इस्तेमाल की जाती है। इसकी फली वात एवं उदर शूल में, पत्ती नेत्र रोग में, मोच साइटिका में, गठिया इत्यादि में उपयोग होती है। इसकी छाल का सेवन साइटिका, गठिया, लीवर में लाभकारी होता है। सहजन के छाल में शहद मिलाकर पीने से वात और कफ रोग खत्म हो जाते हैं। इसकी पत्ती का काढ़ा बनाकर पीने से गठिया, साइटिका, पक्षाघात, वायु विकार में शीघ्र लाभ पहुंचाता है। साइटिका के तीव्र वेग में इसकी जड़ का काढ़ा तीव्र गति से चमत्कारी प्रभाव दिखाता है। मूच इत्यादि आने पर सहजन की पत्ती की लुगदी बनाकर सरसों के तेल डालकर आँच पर पकाएं और मूच के स्थान पर लगाने से जल्दी ही लाभ मिलने लगता है। सहजन के फली की सब्जी खाने से पुरानी गठिया, जोड़ों के दर्द, वायु संचय, वात रोगों में लाभ होता है। इसके ताजे पत्तों का रस कान में डालने से दर्द ठीक हो जाता है। साथ ही इसकी सब्जी खाने से गुर्दे और मूत्राशय की पथरी कटकर निकल जाती है। इसकी जड़ की छाल का काढ़ा सेंधा नमक और हींग डालकर पीने से पित्ताशय की पथरी में लाभ होता है। सहजन के पत्तों का रस बच्चों के पेट के कीड़े निकालता है और उल्टी एवं दस्त भी रोकता है। ब्लड प्रेशर और मोटापा कम करने में भी कारगर सहजन का रस सुबह शाम पीने से हाई ब्लड प्रेशर में लाभ होता है। इसकी पत्तियों के रस के सेवन से मोटापा धीरे धीरे कम होने लगता है। इसकी छाल के काढ़े से कुल्ला करने पर दांतों के कीड़े नष्ट होते हैं और दर्द में आराम मिलता है। इसके कोमल पत्तों का साग खाने से कब्ज दूर होती है। इसके अलावा इसकी जड़ के काढ़े को सेंधा नमक और हींग के साथ पीने से मिर्गी के दौरे में लाभ होता है। इसकी पत्तियों को पीसकर लगाने से घाव और सूजन ठीक हो जाती है। पानी के शुद्धिकरण के रूप में कर सकते हैं आप इसका इस्तेमाल। सहजन के बीज से पानी को काफ़ी हद तक शुद्ध करके पेयजल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बीज को चूर्ण के रूप में पीसकर पानी में मिलाया जाता है। पानी में घुलकर यह एक प्रभावी नेचुरल क्लेरिफिकेशन एजेंट बन जाता है। यह न सिर्फ पानी को बैक्टीरिया रहित बनाता है बल्कि यह पानी की सांद्रता को भी बढ़ाता है। काढ़ा पीने से आइए जानते हैं हम कि क्या क्या फायदा होता है। कैंसर और पेट के रोगों इत्यादि के दौरान शरीर के बनी गांठ
फोड़ा इत्यादि में सहजन की जड़ का अजवाइन, हींग और सूंठ के साथ काढ़ा बनाकर पीने का प्रचलन है। यह भी पाया जाता है कि यह काढ़ा साइटिका यानी कि पैरों में दर्द, जोड़ों में दर्द, लकवा, दमा, सूजन, पथरी इत्यादि रोगों में लाभकारी है। सहजन के गूंद को जोड़ों के दर्द और शहद को दमा इत्यादि रोगों में लाभदायक माना जाता है। आज भी ग्रामीणों की ऐसी मान्यता है कि सहजन के प्रयोग से वायरस से होने वाले रोग जैसे चेचक के होने का खतरा टल जाता है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। सहजन में हाई मात्रा में फोलिक एसिड होता है जो कि एक प्रकार का मोनोसैचुरेटेड फैट है और यह शरीर के लिए अति आवश्यक है। सहजन में विटामिन सी की मात्रा बहुत होती है, यह शरीर के कई रोगों से लड़ता है। सर्दी जुकाम में यदि सर्दी की वजह से नाक कान बंद हो चुके हैं तो आप सहजन को पानी में उबालकर उसके पानी का भाप लें, इससे जकड़न कम होगी। सहजन में कैल्शियम की मात्रा अत्यधिक होती है जिससे हड्डियां मजबूत बनती हैं। इसके अलावा इसमें आयरन और मैग्नीशियम और सिलियम भी होता है। इसका जूस गर्भवती को देने की सलाह दी जाती है। इससे डिलीवरी में होने वाली समस्या से राहत मिलती है और डिलीवरी के बाद भी मां को तकलीफ कम होती है। गर्भवती महिला को इसकी पत्तियों का रस देने से डिलीवरी में आसानी होती है। सहजन में विटामिन ए होता है जो कि पुराने समय से ही सौंदर्य के लिए प्रयोग किया जाता रहा है। इसकी सब्जी को अक्सर खाने से बुढ़ापा दूर रहता है, इससे आँखों की रोशनी भी अच्छी होती है। यदि आप चाहें तो सहजन को सूप के रूप में भी पी सकते हैं, इससे शरीर में खून जो होता है, ब्लड जो होता है, वो साफ होता है। तो दोस्तों, देखा आप सभी ने, आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए थे सहजन से जुड़ी हुई कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों को जो कि आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होती हैं। तो अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे दोस्तों कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।